मैटर नहीं करती, आप भी जिस एज में आप भी कर सकती हैं, उससे बड़े भी कर सकते हैं और बूढ़े बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बस आपके दिल में आना चाहिए मुझे अल्लाह ने सेलेक्ट किया, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। और मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त कराची के इलाके तारिक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड साइड इफ्तार की तैयारियाँ जारी हैं। मैंने आपके साथ और भी बहुत सारे फ्री रोड साइड इफ्तारी दस्तरखान की वीडियो शेयर की हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी मेरे चैनल पर जाके देखें। लेकिन ये इफ्तार थोड़ा ख़ास है क्योंकि इस दस्तरखान को जो लीड कर रहा है वो 11 साल का छोटा सा बच्चा है। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे छोटे सोशल एक्टिविस्ट हसन अदीर फर्स्ट रमज़ान से ये रोड साइड इफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं अपनी टीम के साथ, और सिर्फ लीड नहीं करते बल्कि आप देख सकते हैं कि सारे कामों में आगे आगे रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बर्फ़ तोड़ने से लेकर दस्तरखान सजाने तक ये छोटा सा बच्चा सारे काम बहुत खुश उसलूबी से करता है। तो चलिए जानते हैं हसन से कि ये सब किससे सीखा उन्होंने, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका नाम? हसन। हसन, हसन आप कब से यहाँ इफ्तार लगा रहे हैं? बस हम लोग जो है पूरे रमजान लगा रहे हैं और पहले रोजे से लगा रहे हैं। अच्छा, और आप मुझे बताएंगे आप इफ्तार में आपके पास क्या क्या होता है? अलग अलग दिन का अलग अलग मेन्यू होता है, कभी चिकन बिरयानी कभी छोला बिरयानी, मगर आज कुछ और ही अलग डिफरेंट है। आज दाल चावल है अफ्तार में, ठीक है, खजूर है, हाँ कबाब है, साथ में रोल है, समोसे हैं, ठीक है। अच्छा, एसओपीस का नॉलेज है, अच्छे से ख्याल कर रहा है, सबने मास्क पहने हुए हैं। आप देख लें, लोग कहते हैं लकड़ी सड़ जाती है, मगर हम इवन तो इन पे भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी की बोतल ठंडी हो रही है, जी ब्रांडेड पानी की बोतल है, बस हमने ये किया टैग हटा दिया, ठीक है। इसके अंदर जूस भी है, खोले भाई। अच्छा, बर्फ में आप लोग देख सकते हैं ताकि ठंडे रहें, ठीक है। ये केले पड़े हुए हैं, आप देखें ऐसे केले कहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल यही 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 भूखे नहीं सुन। अच्छा, मुझे सर ये पूछना है कि क्योंकि आप ये फर्स्ट रमज़ान से लगा रहे हैं, तो रमज़ान के बाद आपकी क्या प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, मगर अल्लाह ने अगर हाथ पकड़ा तो होगा। हमारी प्लानिंग है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर खाना खिलाएँ लोगों को और लोगों के रोज़गार का भी जरिया बने। अच्छा, तो आप मुझे इतना बताएं कि आप इतने छोटे से हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, उम्र मैटर नहीं करती, आप भी जिस एज में आप भी कर सकती हैं, उससे बड़े भी कर सकते हैं और बूढ़े बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बस आपके दिल में आना चाहिए मुझे अल्लाह ने सेलेक्ट किया, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है और मैं ये काम में आगे बढ़ूँ, ठीक है। अगर आपके पास जो है भैया कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है अफ्तार में तो वो कर सकते हैं? हमारा एक नंबर है 03249221523, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें और इस पर आपको कोई भी हेल्प करनी है आप हमसे बोलें, इजी पैसा या अकाउंट नंबर तो हम आपको दे देंगे, तो आप इसको कॉन्टैक्ट, ठीक है। सर, अभी हम प्रिपरेशन भी देखते हैं और देखते हैं कि अफ्तार किस तरह आप जो है वो सर्व करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इफ्तार की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी पहले चली गई थी क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैं कंप्लीट सर्विंग आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन हसन का कहना है कि रोज़ उनका इफ्तार का मेन्यू चेंज होता है, और आपने देखा होगा कि इतनी छोटी सी एज में माशाल्लाह से इस बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, और ये हसन ने अपने पेरेंट्स से सीखा है। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को हमदर्दी सिखानी चाहिए कि अगर कोई भी शख्स हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे आप जितनी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जज्बा बच्चों में ये लाजमी पैदा करना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस बच्चे को कामयाब करे और हमें भी ऐसा काम करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जैसा कि इफ्तार में या फिर जो हसन ने अपने प्लान्स शेयर किए हैं, रमज़ान के बाद भी वो इस तरह के काम जारी रखेंगे, तो आप उसमें अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मैंने नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है।